दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नो पावर सप्लाई कैसे निकालते हैं, यानी ये ट्रबल होता है नो पावर सप्लाई। यहाँ देखेंगे नो पावर सप्लाई इंस्टेंट, ये ट्रबल कैसे निकाला जाता है, ये ट्रबल को कैसे रिजोल्व किया जाता है, इसका शूट आउट कैसे करते हैं, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ये सारे ट्रबल्स निकालने के बाद पैनल में ये ट्रबल्स रह जाता है तो इसको रिजोल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए पैनल में वायरिंग करनी होती है, लूप कार्ड को AMPS से कनेक्ट करना होता है। दोस्तों, ये दोनों वायर मेरा SLC है, यानी ये पूरे फ्लैट पे राउंड मार करके तब जा करके ये आता है, यानी एक यहाँ से इन निकलता है पैनल से, फिर एक पैनल राउंड मार करके पूरे फ्लैट में तब ये आउट आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मेरा ये मार्किंग किया हुआ है, ये फ्लोर लूप 1 का केबल है और ये इन हुआ है, और दूसरा केबल ये पूरा राउंड मार करके फ्लैट में ये आउट केबल आया है। दोस्तों, ये जो रेड केबल है, इसमें इन वाला आउट वाला केबल हम लोग लेंगे पहले, यानी जो SMPS है, SMPS में जो ये है इसमें डालते हैं हम लोग, यहाँ पे डालना है इसको। तो इन केबल पहले इसमें ले लेंगे हम लोग इन पे, उसके बाद फिर इसको दूसरा केबल आउट केबल एक इससे कनेक्शन करके कनेक्शन करने के बाद इसको फिर लूप कार्ड में जोड़ेंगे। इसको आप किसी भी लूप कार्ड में जोड़ सकते हैं, इसको ज़्यादातर लूप 1 पे ही जोड़ना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए लूप 1 पे इसको जोड़ेंगे। ये जो लूप 1 का कार्ड है, ये इसमें दो कार्ड है, पेयर में होता है ना, जैसा कि मेरे वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है, ये दो पेयर में एक कार्ड होता है, तो इसको हम लोग लूप 1 के कार्ड में जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ SLC लिखा हुआ है, SLC वाले इसमें जोड़ देंगे हम लोग, इसमें कनेक्ट कर देंगे इसको। SLC लिखा हुआ है वहीं पे इसको पुट कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये आउट केबल फ्लोर से आया, फिर ये दूसरा केबल उसमें जोड़ करके इस पर जोड़ दिए हम लोग। जोड़ने के बाद अब ये हम लूप 1 का कार्ड में डाल देंगे, लूप 1 के कार्ड में, ये लूप 1 का कार्ड है हमारा, इसमें डाल देंगे। जब कनेक्शन करेंगे SLC वाले में, तो इस बात का ध्यान रखना है कि A पॉजिटिव A नेगेटिव एंड B पॉजिटिव B नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा ध्यान रखना है। रेड वाले केबल पॉजिटिव में रखना है, दोनों रेड वाले केबल पॉजिटिव में रखना है, और दोनों नेगेटिव वाले केबल ब्लैक केबल यानी वो नेगेटिव पे ही रखना है। अब देखेंगे कि जो इन वाला केबल है हमारा, आउट वाला केबल, ये जो आउट वाला केबल दिख रहा है, ये केबल ये पहले हम SLC में यानी AMPS में डाल दिए इसको, फिर यहाँ से आउट केबल निकाले इसका करके, ये वाला केबल आउट केबल निकाले इसको उसी से जोड़ करके, फिर अब ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब हम लूप कार्ड में इसको इंसर्ट कर देंगे, लूप कार्ड में इंसर्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ऐसे इंसर्ट हो गया, यानी ये हमारा वायरिंग का कंप्लीट हो गया, ये इस पे वायरिंग कनेक्शंस का कंप्लीट हो गया। दोस्तों, ये वायरिंग डायग्राम है, इससे समझने में आसानी होगी। दोस्तों, वायरिंग करने के बाद ये कनेक्शन का वायरिंग कनेक्शन यानी दोनों पैनल को, AMPS को और कार्ड को जोड़ने के बाद, हम इसका अब इसके साथ जो CPU है उसके साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी ये जो CPU है यानी पैनल, जो AMPS है इसको मॉनिटर के नाम से जानता है, पैनल मॉनिटर के नाम से जानता है, बट हम लोग अपने इसमें इसको AMPS बोलते हैं। तो इसको इससे अब हम CPU से कनेक्शन करेंगे, इसका CPU से इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये सेटिंग करना पड़ेगा,
जो रोटरी स्विच है ना यहाँ, ये रोटरी स्विच है और ये जो ये बगल में रेड का है ये स्लाइड स्विच है। रोटरी स्विच मतलब यानी ये घूमेगा, ऐसे हम घुमा सकते हैं इसको। जैसे अभी आप देखेंगे ये 12 नंबर पे है, उसका एरो 12 नंबर पे है, 12 पे है ना, इसको हम घुमा भी सकते हैं, इसको ऐसे करके घुमा भी सकते हैं। जैसे मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, अभी 12 नंबर पे था, अब मैं घुमा दिया हूँ, अब ये हो गया है, अभी आ गया है 140, 14 पे आ गया है। तो हम फिर 12 पे कर देते हैं, क्योंकि हमें 12 पे ही सेट रखना है इसको, 12 पे अपना प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद दूसरा स्लाइड स्विच है, ये स्लाइड ऊपर नीचे होता है, अप डाउन ये स्लाइड होता है। ये करने के बाद यानी अब ये इसका एड्रेस क्या हो गया है, जो मॉड्यूल है इसका एड्रेस हो गया है 120 ना, 0 से 5 तक स्लाइड स्विच में है और वो 12 है, यानी 12 और ये 0 पे डाल के रखे हैं तो ये 120 हो गया है। हम इसका एड्रेस क्या 120 कर दिए हैं, दोनों मिलके ये 120 एड्रेस हो गया है। अब इसको पैनल के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अब ये सेटिंग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पे आपको समझना होगा। मेन मेनू पे जाएंगे, पहले मेन मेनू दबा दिए, उसके बाद प्रोग्राम अलर्ट स्टेटस पे चले गए, डिफॉल्ट डाल दिए, पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद हम पॉइंट प्रोग्राम मेनू, जो ये पैनल प्रोग्राम मेनू है, इसको दबा दिए। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ सुपरविज़न है लिखा हुआ, ये सुपरविज़न को प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ये आ गया है मेंस एसी पीएस एसी फेल एड्रेस, ये आ गया है। तो इस पर हम लोगों को इसका सेटिंग करना पड़ेगा। इसका सेटिंग कैसे करेंगे, इसको जो नंबर है एड्रेस है, जो हम एएमपीएस वाला जो एड्रेस, यहाँ वाला जो एड्रेस था, ये एड्रेस जो सेट किए थे 120, ये वाला एड्रेस यहाँ डालेंगे अब। तो ये एड्रेस डालने के लिए 0 यानी लूप वन कार्ड पे हम, यानी पहला वाला कार्ड पे हम सेटिंग किए हैं उसका, पहला वाला लूप कार्ड पे सेटिंग किया। तो पहले इसको लूप कार्ड वन डाल दिए। अब 120, ये पूरा एड्रेस इसका 120 डाला हुआ है, बट हम 120 नहीं डालेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा आगे डालना पड़ता है, तो 121 डालेंगे हम, 121 डाल दिए। यानी जो ये मॉनिटर मॉड्यूल, मॉनिटर का है एड्रेस 120 है, और हम सीपीयू में ये एड्रेस लूप वन पे डाल दिए और ये 121 डाल दिए, एक एक्स्ट्रा डालेंगे, एक आगे डालेंगे। इस तरह से ये एक्सेप्ट कर ले। अब ये बैग आना है, बैग आने के बाद अब हम इसका प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हम इसको तो लेके आ गए हैं पैनल पे, बट प्रोग्राम करने के बाद ये कंप्लीट होता है। लूप वन हमको सिलेक्ट करना, चूंकि हम लूप वन पे डाल के रखे हैं इसको, लूप वन एड्रेस डाल दिए। अब इसका प्रोग्राम हो रहा है, 30-35 सेकंड लगेगा, प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्रेस पे है। टाइम लेगा दोस्तों ये, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। अब देखिए ये मॉड्यूल 14 मॉड्यूल आ गया, यानी हमारा जो लूप वन है, लूप वन पे 4 एमसीपी है, 4 मॉनिटर मॉड्यूल है फ्लो स्विच के लिए, और एक कंट्रोल मॉड्यूल है। तो 4, 4, 8 और एक 9 हो गया, और 5 नो पावर सप्लाई का ये ट्रबल आता है, 5, तो ये 5 जुड़ गया इस पर, तो 114 मॉड्यूल हो गया ये। क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ कि ये मॉड्यूल, ये एएमपीएस का जो होता है ये पैनल मॉड्यूल नाम जानता है इसको। स्किप कर देंगे इसको, ये करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि ये नो पावर सप्लाई मेरे ट्रबल लिस्ट से कैसे रिजॉल्व हो गया है, यानी अब वो ट्रबल लिस्ट में शो नहीं होगा। कुछ डबल एड्रेस आया हुआ है,
डबल एड्रेस मतलब यानी एक ही एड्रेस को दो डिटेक्टर में डाला हुआ है। बैक जाएंगे हम, फिर बैक जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है ट्रबल हिस्ट्री कैसे हम निकालते हैं, मल्टीपल इवेंट लिस्ट में जो लिस्ट का वीडियो है मेरा वो देख लीजिए आप लोग। अब आपको मैं ये सारा लिस्ट आ गया, ये ट्रबल का लिस्ट है, पूरा पूरा ट्रबल का लिस्ट है। देखेंगे कि ये मेरा जो नो पावर सप्लाई वाला ये था ट्रबल था वो इस लिस्ट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों ये ट्रबल अब चला गया है, हमारा लिस्ट में ये है ही नहीं। इसी तरह ये ट्रबल्स को निकालते हैं हम पैनल से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।